नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं, अगर आपके पास स्विगी, जोमेटो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कम ऑर्डर आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपके रेस्टोरेंट्स में पर डे जो कि ऑर्डर्स है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, या आप स्टार्टिंग में आपके पास ऑर्डर नहीं ही आ रहे हैं, बिल्कुल ही कम है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि आप में से अधिकतर लोग जो भी सेटअप्स करते हैं, अपने नए स्टार्टअप्स होते हैं, उन्हें कई सारी टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। क्योंकि हमें यहाँ ये हमें कहीं पे ये बताया नहीं जाता है कि भैया आपको किस प्रकार से आपके जो आउटलेट है, जो स्विगी जोमेटो पे शो रहे हैं, उन्हें चेक करना है। क्योंकि कहीं पे भी ऐसी वीडियोस नहीं है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। मैंने यहाँ लगभग 7 ऐसे पॉइंट्स बना के रखे हैं, अगर आप इन्हें इन्हें फॉलो करेंगे तो जो आपके टेक्निकल ग्लिचेज होते हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, जिनका कि आपको भी मालूम नहीं होता है, और आपको ये मालूम होने के बाद जोमेटो को इन्फॉर्म करना चाहिए, स्विगी को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि आपके पास ऑर्डर की संख्या बढ़ जाए और आपका आपकी जो सेल है वो ज़्यादा होने लग जाए। सबसे पहले जब भी आप टाई अप करते हो स्विगी या जोमेटो के साथ, आपको एक एरिया असाइन किया जाता है आपका 3 से 5 किलोमीटर के बीच का। अब जो ये 3 से 5 किलोमीटर होता है, ये आपके रेडियस में होता है। जब भी आप टाइप्स करते हैं तो आपके पास एक मेल आ जाता है कि आपके ये सारे एरियाज़ आपको असाइन किए गए हैं। आपके पास जब भी ऐसा मेल आता है तो आपको वो सारे एरिया चेक करने हैं, और आपको अगर कुछ और भी एरिया ऐड करने कोई, क्योंकि कई सारे एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं ऑर्डर्स के हिसाब से मेरा मतलब है, जहाँ पे कि पॉपुलेशन अच्छी होती है, वहाँ के कस्टमर का जो परचेजिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, तो आप ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे एरियाज़ वहाँ पे उनको ऐड करने के लिए बोल सकते हो। क्योंकि स्विगी और जोमेटो वाले कई बार चीज़ें मिस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक आपकी जो क्लाउड किचन है किसी रोड के किनारे हैं, तो हो सकता है रोड के बाद का जो एरिया हो किसी दूसरे लोकेलिटी में आता हो, पर वहीं अगर आप ये मेल द्वारा स्विगी या जोमेटो को बताते हैं, स्टार्टिंग में या बाद में भी कर सकते हैं, पर शुरुआत के समय सबसे बेस्ट टाइम होता है, तो वहाँ पर वो आपके एरिया ऐड कर देते हैं और आपको उन एरिया से भी ऑर्डर आने लग जाते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारा है हमारी करेक्ट टाइमिंग का। जब भी आप क्लाउड किचन के मेन्यूज़ दे रहे हैं स्विगी जोमेटो को, तो आप उनको अपनी करेक्ट टाइमिंग बताइए ओपनिंग और क्लोजिंग की। आपको सही समय बताना है कि आप किस समय ओपन हो रहे हो, किस समय क्लोज हो रहे हो, क्योंकि अगर आप उनको समय सही नहीं बताएंगे तो आपको वो अपने ऐप पे, स्विगी हो या जोमेटो हो, वो शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय आप लोग क्लोज हो, इवन शो भी करेंगे तो कोई आपके पास ऑर्डर नहीं कर पाएगा। तो आपको हमेशा जो भी आपने टाइमिंग्स दी हैं उनका फॉलो करना है और उनके हिसाब से ही अपने क्लाउड किचन को खोलना है, या अगर आप अपना टाइमिंग एक्सटेंड कर रहे हो या अपना टाइम आप कम कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको स्विगी और जोमेटो को अपडेट करनी है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे है हमारा, जब भी आपके पास ऑर्डर आए आपको मतलब कि बोल दीजिए ASAP, एज सून एज पॉसिबल, कम से कम समय में ऑर्डर को पिक करना है। जैसे कि हम लोग कई सारे सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, जहाँ पे कि हम लोग अपने स्विगी जोमेटो को, फूड पांडा को, जो पहले चलते थे उबर को, एक जगह इंटीग्रेट कर देते थे। आप एक ही ऐप पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारे ऑर्डर देख पाते थे। पर वहीं जब आप सिंगल सिंगल रखते हो, आपके पास स्विगी किसी फ़ोन में चल रहा है, जोमेटो कहीं और चल रहा है, तो उस समय आप देखेंगे आपकी स्पीड तेज़ी तेज़ रहती है, आपके पास ऑर्डर जल्दी रिफ्लेक्ट होता है। पर वहीं अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो, तो आपके पास जो 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 मतलब कि पिक करने का टाइम या आपके रिंग होने का टाइम वो ज़्यादा होता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन से या किसी से भी कर सकते हैं, पर आपको यहाँ जल्दीबाजी दिखानी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जोमेटो और स्विगी काउंट करता है। जितनी जल्दी आप ऑर्डर पिक करेंगे उतना ही जल्दी आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इवन यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आपने आपने ऑर्डर पिक करने में लेट कर रहे हो, तो कस्टमर आपका ऑर्डर अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता है। कभी कभी उसको लगता है यार ये क्या है, बंद तो नहीं है, मैं कहीं और से ऑर्डर कर लेता हूँ। या फिर अगर आपने ऑर्डर पिक कर लिया है तो फटाफट उसे 2-3 मिनट के अंदर आपको उसको ओके कर देना है। ओके करने से ये होगा कि आपका फूड प्रिपेयर दिखाने लग जाएगा, इवन उसके बाद कस्टमर कैंसिल भी करता है या जोमेटो स्विगी की तरफ से भी कैंसिल होते हैं, तो आपको वो पूरा अमाउंट यहाँ पे करते हैं। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ थी जिसका कि आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद अगर आप अपना अपना जो ऐप है अपना स्विगी जोमेटो, यहाँ पे आप अपने खाने की पिक्चर्स को डालिए, आप खुद ही खींच के अपने खाने की पिक्चर्स डाल सकते हैं। और आपको आप जो भी नया खाना बना रहे हैं, कोई नई डिश बना रहे हैं या जो ऑलरेडी आपके मेन्यू में है, उनकी पिक्चर खींचिए वहाँ पे लगाइए। उससे आपकी जो कि प्रोफाइल होती है उनके ऐप पे वो काफ़ी अच्छी दिखने लगती है, उससे भी काफ़ी आई थिंक प्रभाव पड़ता है आपके ऑर्डर्स की संख्या पे। साथ साथ यहाँ पे अगर अच्छे से आप लिख सकते हैं, आपको अपने डिशेस के नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अगर आप अपनी डिश के बारे में वहाँ डिस्क्राइब करते हैं, तो कस्टमर पे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसे लगता है कि भैया ये कोई अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे भी शेफ़ कोई हाई फाई है जो कि इतने इतने अच्छे तरीके से, इतने इतने स्वादिष्ट तरीके से खाना बना रहा है और उसी स्वादिष्ट तरीके से अपने खाने को बयां भी कर रहा है। तो प्लीज़ अपनी फ़ोटो और डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर लगाइए, और आप ये काम खुद ही कर सकते हैं। ऐप में ये करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जो कि आपको डैशबोर्ड दिया जाता है स्विगी जोमेटो के द्वारा। उसके बाद कभी कभी होता है कि अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है या कुछ भी हो रही है, आप देखेंगे कि आपका रेस्टोरेंट दिखाना गायब, आपका रेस्टोरेंट ही नज़र नहीं आता है स्विगी जोमेटो के ऐप पे। तो इस समय पे आपको यही ध्यान रखना है कि आपको आपको स्विगी जोमेटो को इंटीमेट करना है कि भैया मेरा ऐप मुझे यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रहा है। कभी कभी बारिश नहीं भी हो रही होती है, आप लोग दिखना वहाँ से गायब हो जाते हो, या फिर आपके पास वहाँ पर राइडर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो स्विगी और जोमेटो आपको अपने उनके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर दिखाना बंद कर देते हैं। एक बार होता है, दो बार होता है तो कोई बात नहीं, पर वहीं पे अगर अगर रोज़ रोज़ यही हो रहा है, अगर राइडर्स अवेलेबल नहीं हैं आपका आप और वहाँ पे अनसर्विसेबल आ जाता है बार बार आपके रेस्टोरेंट के नीचे, तो आपको ये चीज़ें देखनी है, आपको किसी दूसरे मोबाइल से देखनी है कि भैया मेरा रेस्टोरेंट बार बार ऐसे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें तहकीकात करनी पड़ेगी। उसके बाद स्विगी जोमेटो को आप टाइमिंग्स के साथ साथ, अपने रेस्टोरेंट आईडी के साथ साथ अपनी पूरी पूरी चीज़ें उनको बता के भेजनी है, ताकि वो उस चीज़ पर वर्क करेंगे। वो लोग बहुत ही फास्ट रिप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर उनको उनको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम पड़ी है कि वहाँ पर राइडर है नहीं है, और अगर आप उनको ये सारी चीजें बताते हो, तो वो इस चीज पे काफी ज्यादा रिएक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे है आपके ऑफर्स का। ऑफर्स कई प्रकार के होते हैं, आप अपने आप भी यहाँ पे अपने ऑफर्स लगा सकते हो, 10% 20% आप लोग लगा सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे बोगो चला सकते हो, आपकी मर्जी है, जिस भी प्रकार के आपको ऑफर्स यहाँ पे लगाने हो, तो आपको ये सारी चीजें खुद भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके लोकेशन कभी चेंज करते हो, कभी आप अभी जैसे क्लाउड किचन में यही होता है कि आपने अभी ये शॉप ली है, थोड़े दिनों बाद आप उसकी बाजू की शॉप ले लेते हो, तो आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन को करेक्ट अपडेट करना है, क्योंकि राइडर्स के पास यहाँ पे राइड्स होते हैं। अगर आप अपनी सही लोकेशन पर नहीं हो, तो वो आपके ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं और वो बता सकते हैं आपका स्विगी और जोमेटो को आगे कि ये अपनी राइट लोकेशन पर नहीं है। और यहाँ पे ये भी होता है, अगर आप लोग राइट लोकेशन पे नहीं हो, तो वो आपकी दूसरी जगह पे लोकेशन पे खाना पिकअप करने नहीं आएंगे, आपको खुद ही जाके उनको वहाँ पे देना पड़ेगा। एक बार आप, दो बार आप दे सकते हैं, बट बार बार आप यही करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। आपको भी दिक्कत होती है, राइडर्स को भी यहाँ पर दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टेक्निकल ग्लिचेज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा और ये सारी चीज़ें और खामियां दूर करने की कोशिश कीजिएगा, और आप देखेंगे आपके ऑर्डर्स की संख्या यहाँ पे बढ़ने लगी है। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे बताइएगा, मैं आपके आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।